प्रभु की स्तुति हो। मैं सोच रही थी कि ये वीडियो मराठी में बनाऊं कि इंग्लिश में बनाऊं, पर फिर मुझे लगा कि ये वीडियो सबको देखना चाहिए, तो मैंने ये वीडियो हिंदी में बनाया है और बहुत लोग मुझे हिंदी वीडियो की रिक्वेस्ट दे रहे थे। तो बेसिकली आज आई एम सेलिब्रेटिंग 2 ईयर्स ऑफ माई एनिवर्सरी ऑफ यूट्यूब। तो 2 साल कम्प्लीट हो गए मुझे यूट्यूब में, एंड इसीलिए मैं आपको सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड टू मी एज वेल, एंड मोस्टली आई वॉन्ट टू थैंक द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु हैज़ बीन थ्रू आउट माई जर्नी, एंड ही इज़ द वन हु इज़ एक्चुअली यूजिंग मी टू स्प्रेड हिज वर्ड। सो ऑल ग्लोरी ऑल प्रेज बिलोंग्स टू द लॉर्ड। तो आज क्या इंटरेस्टिंग है, क्या नया है इस वीडियो में? तो ये वीडियो बहुत ख़ास है, बहुत अलग है, क्योंकि आज हम सब एक बहुत बड़ी समस्या में है। जैसे आपको पता है कि जो चालू है वर्ल्ड में, और ये सब देखने के बाद निराशा आती है, बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्या होने वाला है आगे। और जब न्यूज़ में हम देखते हैं कि बहुत लोगों के जॉब के इश्यूज़ हो रहे हैं, किनका जॉब जा रहा है, किनका कई लोगों का बहुत फ्यूचर में फाइनेंस के प्रॉब्लम्स होने की, मतलब हमें सब दिखाई दे रहा है और हमें डर आ रहा है। अगर ये सारी चीज़ों के द्वारा आप जा रहे हो, तो आज मैं मेरी कहानी आपको बताने वाली हूँ, मेरी गवाही, मेरी टेस्टिमनी बताने वाली हूँ। तो ये गवाही है, लगभग अभी 3 साल होते आ रहे हैं, इस मई महीने में 3 साल पूरे हो जाएंगे। तो 3 साल पहले जो मेरे साथ हुआ वो मैं बताने वाली हूँ। मैं मेरी पूरी गवाही नहीं बता रही हूँ कि मैं प्रभु यीशु में कैसे आई और क्या, वो सब मैं बाद में कभी तो एक वीडियो बनाऊँगी। पर आज जो मुझे आपको बताना है, ईस्टर के दिन पे, पहले मैं आपको विश कर लेती हूँ हैप्पी ईस्टर आप सबको। एंड तो 3 साल पहले आप जो ये चेहरा देख रहे हो इतना मुस्कुराते हुए, ये आप नहीं देखते होंगे, क्योंकि 3 साल पहले मेरे साथ जो चीज़ें हुई वो बहुत अलग थी, जो मैंने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की हूँ, इनफैक्ट थी, कि जो अपने करियर को लेके, अपने पढ़ाई के लिए मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई में थी, अपने करियर एकेडमिक्स में, और इसके वजह से मैंने बहुत पढ़ाई भी की और अच्छे कंपनी में भी काम कर रही थी। उसके पहले अच्छा लेक्चरशिप का जॉब किया, एंड ऐसा था कि सब अच्छा चालू था। और ऐसे में एक अचानक ऐसी चीज़ें होने लगी कि मेरे जॉब के जगह पे मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लगे, और वो ऐसे प्रॉब्लम थे कि मैं उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। मैंने 7-8 महीना सिर्फ यही सोच रही थी मैं, कि मैं ये जॉब छोड़ू कि नहीं छोड़ू। और मैंने ये प्रार्थना में रखा था, मैंने कुछ लोगों से बातचीत की, बड़े पुरोहित लोगों से, और फिर मैंने आखिर में सोचा कि मेरे को जॉब छोड़ना चाहिए। अभी जॉब जब मैं छोड़ने वाली थी तभी मेरे हाथ में कुछ नहीं था, और पर मेरे सामने जो सर्कमस्टेंसेस हुए थे, चीज़ें हुई थी कि मुझे छोड़ना पड़ा। और जब मैंने जॉब छोड़ा, तब मैं हम जैसे आज लॉकडाउन में है, वैसे मैं लॉकडाउन में आ गई, क्योंकि मैं घर पे थी और दिन रात सोचती थी कि आज मैं क्या करने वाली हूँ, कल मैं क्या करने वाली हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या करने, कुछ नहीं पता था मुझे। मेरे लिए ऐसा कैसे दुनिया थम गई थी मेरी, क्योंकि मेरे लिए ऐसा था कि बाहर लोग आगे जा रहे हैं, अपने अपने जॉब पे जा रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई US जा रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, और मेरे लिए वो बहुत कठिन था, क्योंकि मैंने दूसरा जॉब देखने की एकदम से ज़रूरत नहीं लगी मुझे। मुझे लगा कि मैं बाइबल की पढ़ाई कर रही हूँ, तो साथ ही साथ मैं ये 2-3 महीने में जॉब का भी देख लूँगी। पर मेरे अंदर ऐसा हुआ था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कुछ अलग हो रहा था, मेरा मन ही नहीं बन रहा था कि मैं जाके आगे जॉब देखूं और ये सब। ये बहुत अलग था, ये पवित्र आत्मा मुझे अलग राह पर लेकर जा रही थी, जो मुझे नहीं पता था। और प्रभु से मुझे थोड़ा बहुत मतलब मैं नाराज़ नहीं थी,
क्योंकि प्रभु पे बहुत प्यार है मुझे पहले से, पर ये था कि प्रभु आप मुझे कुछ तो दो, मैं ऐसे कितने दिन घर पे बिताऊंगी, मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक कैदी बन गई हूँ, क्योंकि लोगों के पास जाऊँ तो लोग अलग अलग सवाल पूछते हैं कि अरे तूने इतनी पढ़ाई की है, तेरे को जॉब नहीं मिल रहा है, और फिर बाइबल के बड़े बड़े वचन मुझे सुनाते थे, और बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी मुझे महसूस हो रही। मेरे लिए बहुत कठिन समय था, मैं आपको बोल नहीं पाऊँगी, क्योंकि जैसे रहता है ना कि अपने पूरी ज़िंदगी भर तुम एक चीज़ में अपनी जान लगा देते हो, और वही चीज़ अगर तुमसे छीनी जाए, चली जाए, तो कैसे होता है, वैसे मैं उस समय थी। और एक साल मुझे पूरा याद है कि मैं पूरे दुनिया से दूर, मतलब अपने घर पे, और अगर किसी रिश्तेदारों से भी बात करना चाहूँ तो ऐसे प्रश्न आते थे कि क्या करोगी, और बहुत ठेस पहुँचती थी क्योंकि मुझे खुद को पता नहीं था आगे क्या होने वाला है। तो मैंने सबसे अपना एक बोलते हैं ना दूर रहना शुरू कर दिया था, घंटों भर सोना, मतलब ऐसा सोना कि कुछ ज़िंदगी में अभी आगे क्या है, क्या कुछ नहीं पता, क्या करूँ, कुछ नहीं आता है। और ऐसे वक्त में प्रभु को मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि प्रभु ने मुझे कभी नहीं छोड़ा था, और प्रभु मुझे मेरी गवाही बहुत अलग है, अगर वो मैं कभी एक दिन आपको बताऊँगी। तो प्रभु के लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ, इनफैक्ट प्रभु से मैं ज़्यादा रिश्ता बनाने लगी, प्रार्थना में और बनी रही। और एक साल के बाद आपने अगर वो होली लैंड का मेरी गवाही देखी होगी, तो होली लैंड में मेरे को जो पैसे मिले जिसके कारण मैं इज़राइल जाके आई, वो सारे पैसे मुझे प्रभु ने उस वक्त दिए थे जब मैं पूरी तरीके से अपने अंधेरे में थी, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं इस अंधेरे से कभी निकलूँगी नहीं, ऐसा समय था, तभी प्रभु ने मुझे वो होली लैंड, मतलब इज़राइल जाने की इतनी बड़ी मेरी गवाही हुई, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। और ये पैसे कैसे आए वो सब मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि कैसे प्रभु ने मुझे पैसे दिए। तो प्रभु मुझे ये दिखाना चाहते थे कि मैं मेरे अंदर वो बदलाव लाना चाहते थे। उन्हें पता था कि अगर मुझे प्रभु का वचन देना है लोगों को, तो मुझे उनकी पीड़ा समझनी चाहिए। तो अभी ये लॉकडाउन आना था, ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं थी, पर प्रभु ने मुझे पहले ही लॉकडाउन में लाया ताकि मैं वो पूरा अनुभव आपके साथ बता पाऊँ, आपको बता पाऊँ कि मैं किस द्वारा गई और प्रभु ने उसमें क्या चमत्कार किए मेरे जीवन। सबसे बड़ा चमत्कार है कि जब मैं कभी भी बाहर गाँव नहीं गई थी, इज़राइल कभी नहीं गई थी, कभी खुद जॉब होने के बावजूद नहीं गई थी, पर जॉब नहीं था तभी प्रभु मुझे लेके गए। छोटी सी छोटी चीज़ों में मैंने प्रभु का हाथ देखा, मैंने देखा कि प्रभु मेरे पास अगर कपड़े भी नहीं हैं तो प्रभु किसी के द्वारा मुझे लाते थे, मैं किसी को पूछती नहीं थी, मैंने किसी को कुछ बताया नहीं था, बहुत कम लोगों को मेरे बारे में पता था कि मैं किस पीड़ा के द्वारा जा रही हूँ, और बहुत कम दोस्त थे मेरे, क्योंकि बहुत कुछ दोस्त थे जो जब उनको पता चला मेरे साथ ऐसा हो गया है, वो मुझे छोड़ के चले गए। तो अपनों का जो अपने लोग जब आपके जॉब के वजह से आपके साथ रहते हैं, उसका दर्द मैंने उन दिनों में पूरा मैं गई हूँ उसके द्वारा, इसीलिए मैं समझ सकती हूँ कि क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि मैं बहुत पाप में थी, मैं प्रभु के साथ थी, मैंने बड़े पाप ऐसे कुछ किए नहीं थे जिससे मुझे ऐसा लगे कि मुझे बहुत बड़ी सज़ा मिल रही है। प्रभु ऐसे सज़ा तो देते नहीं हैं, पर प्रभु हमें एक नई जगह पे लेके जाना चाहते हैं, वो हमें कुछ नया करना चाहते हैं हमारे जीवन में, और इसी वजह से प्रभु ने ये मेरे जीवन में किया, और आज मुझे समझ आ रहा है कि वो करना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद मैंने सोचा 6 महीने के बाद मैं जॉब ढूंढ लूँगी, पर 6 महीने के बाद भी मेरे दिल में वो जॉब करने का कुछ हो रहा नहीं था, मतलब वो कुछ हो ही नहीं रहा था। 6 महीने गए और 6 महीने गए और 6 महीने गए, और एक साल के बाद जब मैं पूरी टूट गई थी, तभी की बात है कि यूट्यूब चालू हुआ। मैंने सोचा कि चलो मैं अभी प्रभु का वचन में दुनिया में बाहर तो नहीं जा सकती, क्योंकि लोग के सवालों से मैं नहीं उनको जवाब दे सकती, और
बहुत लोगों को लगता होगा ये बहुत ज़्यादा अकड़ू है, ये हमसे बात भी नहीं करती, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत मतलब अपने आप में रहने वाली एक लड़की हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है बात करना, पर ये जो मेरे जीवन में क्रूस आया था, ये क्रूस मैं दूसरों को नहीं समझा सकती थी, कि मुझे खुद को पता नहीं था कि इसका उत्तर क्या है। तो आगे जाके जब YouTube चालू हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि प्रभु ने मुझे कुछ तो दिया था 1 साल के बाद। और 1 साल के बाद मैं हमेशा मैंने देखा कि मैंने जो जो मुझे चीज़ें चाहिए, मतलब अगर अभी क्रिसमस आया है तो मेरे लिए ड्रेस प्रभु किसी और के द्वारा लाते थे, कोई थाईलैंड गया है तो वहाँ से कोई मुझे वो लेके आता था। फिर कई बार ऐसे हुआ कि मतलब ऐसे ऐसे चमत्कार हुए कि कितना बोलूँ, मेरे को तो अभी याद भी नहीं है। पर ये सारी चीज़ें जो हुई, अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको कभी लगेगा भी नहीं कि मैं क्या पीड़ा के द्वारा जा रही थी, क्योंकि मेरे क्योंकि ये प्रभु का प्रभु की पवित्र आत्मा हम पर और भी ज़्यादा एक्टिव रहती है जब हम क्रूस लेकर चल रहे हैं। और यही हम देखते हैं कि प्रभु का वचन में, एक इंग्लिश में बताओगी और हिंदी में बताओगी। इंग्लिश में अगर आप ये देखोगे कि 1 कोरिंथियंस में लिखा है कि फॉर द मैसेज अबाउट द क्रॉस इज फुलिशनेस टू दोज हु आर पेरिशिंग, बट टू अस हु आर बीइंग सेव्ड इट इज़ द पावर ऑफ गॉड। तो ये प्रभु का सामर्थ्य था। ये क्रूस जगत के लिए मूर्खता है, पर जो प्रभु में विश्वास करते हैं उनके लिए ये प्रभु का सामर्थ्य है। और इसलिए ये सामर्थ्य मेरे जीवन में मुझे समझा कि मैं इसके द्वारा जा रही हूँ, इसीलिए ये प्रभु की पवित्र आत्मा से मैं वचन दे पा रही हूँ। क्योंकि खुद तो मुझे पता है कि मैं ये मुझे फ़ोटो निकालना खुद के बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ये वीडियो बनाना, मैं बहुत अलग अपने आप में रहने वाली लड़की हूँ। आप अगर आप मुझे जानते होगे तो ना फेसबुक पे कभी आई हूँ, ना कभी और किसी सोशल मीडिया पे। मेरे लिए यूट्यूब तो पहली, ये प्रभु की, ये आपको समझ जाएगा कि ये प्रभु का कार्य है मुझ में। तो मैंने इसमें क्या सीखा, चलो अभी आपको तो मैंने बता दिया कि मैं लॉकडाउन में, अभी 2 साल के ऊपर है मैं लॉकडाउन में हूँ, पर ये अभी क्या, अभी मैं बहुत ज़्यादा वो पवित्र आत्मा के जो फल है उसका अनुभव कर रही हूँ, वो है शांति और डर नहीं आ रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा प्रभु पे भरोसा हो गया, क्योंकि इतने वक्त से प्रभु ने इतने कार्य किए। मुझे कभी प्रभु ने मुझे एक बार से वैसे एक अनुभव दिया कि कभी तुझे खाने नहीं मिला या पीने नहीं मिला या किसी चीज़ की कमी महसूस हुई, तो मैंने बोला नहीं प्रभु। तो बोले यही बताना चाहता था कि ये तेरा जॉब, ये तेरा करियर, ये तुझे सब नहीं दे रहा है, मैं तुझे दे रहा हूँ। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि जॉब करना, काम करना, ये प्रभु चाहते हैं हमें। तो ये प्रभु की योजना मेरे लिए थी, या सबके लिए नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ आपको मेरी कहानी बताना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मेरा भाई है, प्रभु ने उसको अच्छा जॉब पे नौकरी दी ताकि हमारे घर के सारी चीज़ें जो है वो उसमें कुछ कमी ना हो। तो हर एक के लिए एक अलग अलग प्रभु ने कार्य दिया है, उस हिसाब से हमें जाना है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो मार्ग में चल रहे हैं उसमें हमारे प्लान के हिसाब से, हमारी योजना के हिसाब से चीज़ें नहीं होती, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। फिर जैसे मैंने कहा कि प्रभु के कार्य, उसमें मैं प्रभु के चमत्कार जो मैंने देखे बहुत अलग थे, ऐसे थे कि प्रभु के अनुभव मुझे बहुत अलग आए। वो अनुभव क्यों आए, क्योंकि प्रभु को पता था कि मेरे पास, मैं अकेली हूँ, मुझे मुझे कोई आके ये नहीं कर रहा है, कंफर्ट नहीं कर पा रहा है, तो प्रभु खुद मेरे को दिलासा देते थे ताकि मैं दूसरों को दिलासा दे सकूँ। और अभी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि प्रभु मेरे साथ है। मेरे सारे सवाल के जवाब नहीं आए, पर मेरे को अभी वो सवाल के जवाब नहीं भी आए तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रभु के साथ विश्वास एक ऐसी चीज़ है कि कितने भी सवाल हो, हमें वो सवाल लेकर आगे बढ़ना है। आगे जाके एक एक सवाल के जवाब हमें आते रहेंगे। विश्वास उसी को कहते हैं कि कितने भी सवाल हो, प्रभु पे विश्वास नहीं छोड़ना है। तो मैं क्या सीखी इससे,
मैं ये सीखी कि बहुत सारे गॉड्स बनाते हैं हम, देव देवताओं देव देवी देवताओं बनाते हैं, जैसे गॉड्स बनाते हैं। जैसे हम अपने पैसों को बोलते हैं कि ये मेरा परमेश्वर है, पर मैंने देखा कि ये झूठा परमेश्वर है, क्योंकि ये मुझे बता रहा था कि अगर पैसा तेरे पास है तो तेरी ज़िंदगी अच्छे से जाएगी। पर जैसे ही मेरा ये जॉब क्या चला गया, उसके बाद मुझे पता चला कि पैसा, जॉब, करियर, ये सिर्फ परमेश्वर बनने की ढोंग, ये ढोंग, मतलब ये सच न ये सच्ची के परमेश्वर नहीं है। ये हमें वो सिक्योरिटी नहीं देते हैं, वो आधार नहीं देते जो हमें चाहिए। ये हमें दिखाते हैं, जैसे हमें हम जग में जाते हैं तो हमें वर्ल्ड में कैसे दिखाते हैं कि दिस इज़ योर सिक्योरिटी, योर मनी इज़ योर सिक्योरिटी, योर जॉब इज़ योर सिक्योरिटी, योर करियर इज़ योर सिक्योरिटी, योर फ्रेंड्स आर योर सिक्योरिटी, योर रिलेटिव्स आर योर सिक्योरिटी, एंड देन इट टेल्स यू दैट एवरीथिंग इज़ योर सिक्योरिटी। एंड बिलीव मी, आई गॉट टू नो दे आर ऑल फॉल्स गॉड्स। दे प्रोमिस मी अ लॉट बट दे नेवर टर्नड अप। वेन आई नीडेड देम दे वर नॉट देर। So I was very much convinced about the fact that God is my security. He was there for me, He provided for me. And today if I'm alive, today if I'm giving you my testimony, it is because of His love. It is because of what He did for me. वो प्रभु ने जो मेरे लिए कार्य किया है, इसके वजह से मैं आपको ये गवाही दे सकती हूँ। और ये मुझे पूरी तरीके से कन्विक्शन आ गया, मुझे भरोसा आ गया कि मुझे किस जगह पे मेरा मन लगाना है, किस जगह पे मुझे मेरा दिल लगाना है, प्रभु के राज्य के लिए, किंगडम ऑफ गॉड के लिए। ऐसा नहीं है कि काम नहीं करने हैं, फैमिली लाइफ नहीं करना है, पर उसमें मैं मेरा उसमें मैं अगर देखूं कि मेरा सब कुछ उसी पे निर्भर होता है, और वो चीज़ अगर चली जाए तो फिर मैं पूरी तरीके से टूट जाऊँगी। तो ऐसे कर करके मेरे को बहुत बड़े अनुभव से मैं गई। पर तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी लॉकडाउन में हो। देखो, आज मैं 2 साल के ऊपर लॉकडाउन में हूँ और मैं बहुत खुश हूँ और मैं हंस रही हूँ। ये कहना चाहती हूँ कि आगे जाके बड़ी रोशनी है, प्रभु कुछ नया कर रहे हैं आपके जीवन में। अगर आपका जॉब गया है तो निराश मत हो। देखो, 2 साल के ऊपर हुआ है, मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। हाँ, मैं बड़ी बड़ी मॉल से जैसे जैसे चीज़ें लेती थी पहले, मैं हर महीने में कुछ नया नया लेती थी, वैसे मैं नहीं लेती हूँ मैं। पर अभी मैं बहुत ज़्यादा सोच समझ के सब कुछ लेती हूँ, और बहुत अच्छी जो भी चाहिए वो प्रभु मुझे देते हैं, जो मेरे लिए अच्छा है, जो ज़रूरत है। तो आपको भी कभी कमी नहीं होगी। तो ये लॉकडाउन में और ये कोरोना वायरस के केस में डर मत रखो, प्रभु पे भरोसा रखो। जो भी लगेगा प्रभु देते रहेंगे, आगे जाके भी प्रभु कभी अकेला नहीं रहने देंगे। प्रभु किसी ना किसी को भेजेंगे। मेरे को बहुत अच्छे लोग मिले इन दिनों में, जो मुझे सहारा दे रहे थे, जो मुझे बोलते थे कि हम तुम्हें, मतलब जो मुझे प्यार करते थे ना, बल्कि कि मेरे पास क्या है, पर नहीं होने के बावजूद वो मेरे साथ खड़े रहे। और इसी के लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं आप सबको ये पूरा भरोसा कहती हूँ कि अगर आप प्रभु में दिल से विश्वास रखोगे तो किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं लगेगी। सब कुछ जैसे टाइम जाएगा प्रभु आपको बताएंगे। जॉब भी अगर आपका गया तो प्रभु आपको नया जॉब, नया बिजनेस, कुछ ना कुछ नया करेंगे। पर उस समय तक आपको वो क्रूस उठाना है, क्योंकि जैसे संत पॉल कहते हैं फिलिपियंस में कहते हैं, फॉर ही हैज़ ग्रांटेड टू मी द प्रिविलेज नॉट ओनली इन टू बिलीव इन क्राइस्ट बट ऑल्सो टू सफ़र फॉर हिम। सो इट्स अ प्रिविलेज ग्रांटेड टू अस नॉट ओनली टू बिलीव बट टू सफ़र। एंड ही ऑल्सो सेज दैट फॉर हिज सेक आई सफर्ड द लॉस ऑफ ऑल थिंग्स एंड आई रिगार्ड देम एज रफबिश इन ऑर्डर टू गेन क्राइस्ट, सो दैट आई मे गेन क्राइस्ट। सो आई एम टेलिंग यू एज अ लाइफ टेस्टिमनी, एज अ विटनेस टू क्राइस्ट, दैट जीसस लव्स यू एंड ही हैज़ अ ग्रेट प्लान फॉर योर लाइफ। थैंक यू, बाय बाय।